दोस्तों अगर आपके भी फोन से आपके डायल में जो नंबर पड़े रहते हैं अगर वो डिलीट हो गए हैं, आपने उन्हें सेव भी नहीं किया था और आप उन्हें फिर से रिकवर करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को इसी का तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपके डायल में से ऐसे नंबर पूरे डिलीट हो गए हैं, कोई आपका इंपॉर्टेंट नंबर है और आपने उसको सेव भी नहीं किया था, अब आपको उसकी जरूरत पड़ रही है, आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना डायल पैड ओपन किया हुआ, यहाँ पर काफी सारे ऐसे नंबर है जो कि मैंने सेव किए हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी नंबर है जो कि मैंने सेव नहीं किए हैं। तो कोई पर्सन हमें कॉल करता है, हम उसके नंबर को सेव नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में हम उसके नंबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम डायलर पैड को ओपन करके देखते हैं तो यहां से देखते हैं कि हमारा नंबर वो डिलीट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपके कॉल लॉग में से आपके नंबर यहां से गलती से डिलीट हो गए और उन्हें आप फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत आसानी से आप रिकवर कर पाएंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां पर इस तरह से लाइक कर देना है, इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर टैप करना है और यहां से आपको ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज वगैरह लेकर आऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। इसके बाद नीचे आपको कमेंट वाले सेक्शन में आना है और कमेंट वाले सेक्शन में आने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है डिलीट नंबर, इस तरह से आपको कमेंट टाइप करना और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। बस दोस्तों इतना सा काम आपको करना है। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपके कॉल लॉग में से आपके अनसेव नंबर डिलीट हो गए और आप उन्हें फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपको करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप इसकी रेटिंग देख लीजिए, 5 में से 5 इसकी रेटिंग है, तो आप सोच सकते हैं कितनी वर्किंग एप्लीकेशन है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ऊपर आपको एक बटन देखने को मिल रहा है चेक डिलीटेड कॉल्स, आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। चलिए मैंने परमिशन को अलाउ कर दिया है। इसके बाद अगेन आपको चेक डिलीटेड कॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे डायलर पैड से यानी कि मेरे कॉल लॉक से जितने भी नंबर डिलीट हुए थे वो सारे के सारे इसने मुझे यहाँ पे सर्च करके दिखा दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नंबर मेरे कॉल लॉक से डिलीट हो गए थे यानी कि मेरे डायलर पैड से डिलीट हो गए थे वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें से आपको जिस नंबर की भी जरूरत है उसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद उसको फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैक लेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप इन डिलीटेड नंबर का यहाँ पे बैकअप लेकर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, और अगर फिर से अपने कॉल लॉग में इनको रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रिस्टोर वाले बटन पर टैप करना है, तो आपके ये नंबर वापस आपके कॉल लॉग में रिस्टोर हो जाएंगे, और जब आपने कॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे यानी कि अपने डायलर में जाएंगे तो आपके पूरे नंबर आपको वापस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके भी डायलर से यानी कि आपके कॉल लॉग से आपके कोई इंपॉर्टेंट नंबर जो कि आपने सेव भी नहीं किए थे वो डिलीट हो गए हैं और उन्हें आप फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतने मिलते हैं।